प्रश्न है हमारा, बिहार में वन विनाश के दो मुख्य कारणों का वर्णन करें। थोड़ा सा मिस्टेक होगा टाइपिंग, वन क्या है, वन बात बताओ। हमने कहा अगर प्राकृतिक रूप से बहुत सारे पेड़ पौधा एक बड़े से भूभाग पर जब उग जाते हैं तो उसको हम लोग वन कहते हैं। वन हमारे लिए कई प्रकार से जरूरी होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो यह वन जो है वो ऑक्सीजन का कारण है, मतलब वन है तो ऑक्सीजन है, पेड़ पौधा है तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हम जीवित रह सके, और पेड़ पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ पर दो बातें होती है, एक तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन हमको दे देता है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो उसको अवशोषित कर लेता है। तो दोनों बातें हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा हमारे वातावरण में तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, ठीक है जी। तो दोनों काम कर रहा है यहाँ पर पेड़ पौधा। बट यहाँ पर प्रश्न हमारा ये नहीं है, बिहार में वन के विनाश का कारण क्या है। वन कम रहा है, धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, खत्म होने का के बद से बदतर हालत में है, कारण क्या है। अब देखो कारण क्या बोल सकते हैं, बिहार के बारे में तो बात करना मतलब क्या बोले, क्या बता सकते हैं। देखो बिहार में अगर हम तुम्हारे बुक में जो कारण दिया हुआ है उसके बारे में बात करें सबसे पहले, तो बिहार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और पहला कारण हम जनसंख्या को नहीं रखते, पहला कारण हम लिखते हैं अशिक्षा को। बिहार में शिक्षित लोग कितने होंगे, लगभग 55-60% इतना लोग शिक्षित है। और यहाँ भी अगर सही से शिक्षा को देखें ना, शिक्षा का मतलब जो थोड़ा समझ बूझ रखते हो, तो शिक्षित तो हर व्यक्ति हो जाता है। एक है कि तुम स्कूल गए हो, प्रॉपर स्कूल गए हो, प्रॉपर पढ़ाई किए हो, तो जो शिक्षा तुमको आने वाले 30-40 साल के एज में जाके मिलने वाला है, वो शिक्षा तुमको यहाँ पर 20 साल के एज में मिल जाएगा। हाँ तो समझो, तो शिक्षित होने का मतलब यह है तुम्हारा देश दुनिया के बारे में जानकारी हो ना, तुम्हारा अधिकार क्या है, ठीक है, और क्या तुम्हारे साथ घट रहा है, तुम्हारा राजनीतिक अधिकार क्या है, सामाजिक अधिकार क्या है, ये सारी बातों का पता होना होता है शिक्षित होना, ठीक है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं सिर्फ लिखना पढ़ना आ गया शिक्षित हो गए, नहीं बिल्कुल नहीं, सिग्नेचर आ गया शिक्षित हो गए, हम नहीं मानेंगे जी, ये शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो वन विनाश में पहला कारण अशिक्षा को ही हम रख देते हैं, जो लगभग विकास के किसी भी काम में रोड़ा होता है अशिक्षा। शिक्षा नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं स्कूली शिक्षा, शिक्षा का मतलब जो स्कूल से बाहर सीखते हैं वो भी शिक्षा में ही आता है, ठीक है जी। पहला कारण शिक्षा हो गया। दूसरा कारण, बिहार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही, फिर से वही शिक्षा आता है यहाँ पर, लोगों को ज्यादा समझ नहीं है। तीसरा कारण, जनसंख्या जब बढ़ रही है तो कृषि योग्य भूमि चाहिए, कृषि योग्य भूमि चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, वन की कटाई करेंगे। चौथा चाहिए, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो कृषि योग्य भूमि के साथ साथ रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए वन की कटाई हो रही है। पांचवा चाहिए, जनसंख्या ज्यादा है तो सड़कें ज्यादा चाहिए, ठीक है, रेल के लिए ज्यादा मार्ग बनेंगे, उसके लिए भी वन की कटाई होगी। शहरों का विस्तार हो रहा है तो उसके लिए भी क्या है, वनों की कटाई होगी। तो यहाँ पर दो कारण पूछ रहा था, हमने 4-5 कारण बता दिया कि वन क्यों बिहार के अंदर धीरे धीरे करके कमता जा रहा है, ठीक है। एक डेटा बता देते तुमको, बिहार में कितना ज्यादा वन है। ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार में जो है ना यही सारे कारण है, ऐसा नहीं सिर्फ यही सारे कारण है, ये सरकार का भी दायित्व है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए। मुद्दे बनाने के समय में जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर चुनावी मुद्दे होते हैं कि किन किन क्षेत्रों में काम किया जाए। अब चूंकि बिहार के लोग वोटिंग जब करते हैं तो जाति के नाम पर करते हैं वोटिंग, जाति चलता है, जातिवाद बिहार में चलता है, किसी छिपा हुआ नहीं है। मैंने तो हमको सोचना पड़ेगा ना किस किस काम को, काम क्या क्या चाहिए। तो एक मुद्दा हमारा ये भी होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण जितने भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं वो भी होना चाहिए। अच्छा लोग को तो हो सकता है थोड़ा कम जागरूकता हो, थोड़ा कम जानकारी हो, लेकिन दायित्व किसका बनता है, ये एक परिवार में बच्चा बिगड़े संभले कौन सा काम करेगा, किसका जिम्मेवारी है, परिवार के पेरेंट्स की, गार्जियन की जिम्मेदारी है। तो अगर गवर्नमेंट है तो उनकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना भाई। 7.7 बताओ किसी भी देश या राज्य में वन होना चाहिए तुमको कितना परसेंट, 33%, यानी 33% वन चाहिए तब पर्यावरण ठीक ठाक रहने वाला है। बिहार के अंदर भाई 7.1% है, इसमें से 38 में से 17 जिला में वन ही गायब हो गया है। तो कौन है जिम्मेवार इसका, क्यों गायब होता जा रहा है वन, क्योंकि देख नहीं रहे ना हम, ये जरूरी नहीं है, ये मैटर जरूरी नहीं है, जरूरी तो इतना पड़ेगा तो 20 साल बाद या 50 साल बाद पता चलने वाला है कि कितना जरूरी मुद्दा है ये वन, ठीक है जी। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा बस तुमको जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बातें तो होती, चूंकि तुमको बातें पता होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब होता है जो बातें है ना तुमको वो पता होनी चाहिए, हकीकत में क्या चल रही है। किताबी ज्ञान में जो तुम्हारा आंसर है उसको ही लिख देना है, यहाँ पर आंसर में तुम्हारा लिखा हुआ है,
कौन कौन से रीजन है बिहार में, बिहार में वन के कमी कमी होने के क्या क्या कारण है, बट तुमको बातें तो पता होनी चाहिए ना, रियलिटी में कहाँ से क्या हो रहा है, ये तो तुम सोच पाओ। आगे देखो,